Assalamu alaikum dear students, myself Sheikh Abdul Aziz, teacher government middle school Farkin, Zone Kralpura. Today my topic is transportation in plants and animals, class 7, subject science. So far transportation in plants is concerned, it is something different from the transportation in animals. अगर animals की बात की जाए तो animals का transportation system जो है उसको हम उसमें बहुत सारे सिस्टम आते हैं, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो हम बाद में उससे डील करेंगे. तो आज का हमने टॉपिक जो उठाया है मैंने वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स कहते हैं इसको, पौधों को. तो पौधे भी आप पहले ही जान चुके हैं, पौधे जो है वो लिविंग है. अब वो खाते हैं पीते हैं, तो इस जिस तरह ह्यूमन बींग्स एनिमल दूसरे जानवर वगैरह जो हैं इंसेक्ट्स बर्ड्स वो खाते पीते हैं, इस तरह प्लांट्स भी खाते पीते हैं और लिविंग हैं और अपने ही सीड्स वगैरह तैयार करते हैं. तो नेचुरली हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पे जाएंगे. प्लांट इसमें दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, यानी वाटर और मिनरल जो है वो पौधे जड़ों के जरिए अपने बॉडी में खींचते हैं. और दूसरा है फूड, द फूड इज सिंथेसाइज इन द लीव्स, जो लीफ है पौधे का जिसको पत्ता हम कहते हैं उर्दू में लीफ, लीफ में फूड तैयार करता है प्लांट, अपना अपनी गजा तैयार करता है. लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से पौधे अपनी गजा खुद तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है फिफ्थ में, तो अब इसको हम रिकैप कर दिया कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर आर सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो अब फूड सिंथेसाइज हो गया इसमें लीफ में, तैयार हो गया लीफ किचन में, फूड तैयार हो गया, इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं. तैयार हो गया तो अब ये ट्रांसपोर्ट करना है डाउन, यानी हर पार्ट के प्लांट के हर पार्ट में ये फूड जाएगा. हर पार्ट को जरूरत है, रूट्स को भी फूड की जरूरत है, स्टेम को भी जरूरत है, लीव्स को भी जरूरत है, ब्रांच को भी जरूरत है, फ्रूट को भी, फ्लावर को भी, हर चीज हर पार्ट को फूड की जरूरत है. तो फूड जब वहां पे तैयार हुआ तो ये ट्रांसपोर्ट करना है, हर पार्ट में पहुंचाना है. कैसे पहुंचेगा यही हमारे पढ़ने जा रहे हैं. दूसरा है कि सॉयल से, मिट्टी से, जड़ों के जरिए जो मिनरल और वाटर जो है वो पौधे की लीफ तक, यानी हर पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट पहुंचेंगे. किस तरह पहुंचेंगे, किस सिस्टम के तहत पहुंचेंगे, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही है ट्रांसपोर्टेशन. तो दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन वेरी इन प्लांट्स, यानी ये पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब पौधों के अंदर सेम जैसा नहीं है, बल्कि ये वेरी करता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये अलग से अलग तरीके से होता है, और मल्टीसेलुलर यानी दूसरे बड़े इसमें प्लांट्स में ये दूसरे तरीके से होता है. तो यहाँ पे मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्रोसेस लिखी है डिफ्यूजन. यूनिसेलुलर प्लांट्स में डिफ्यूजन के जरिए जो है फूड ट्रांसपोर्ट होता है. एक तो यहाँ पे डिफ्यूजन की मैंने डिफिनेशन भी, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन. यूनिसेलुलर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए होती है. जैसे कलामाइडोमोना से यूनिसेलुलर प्लांट है, उसमें यह डिफ्यूजन के जरिए होती है. और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है, इन हायर प्लांट्स देयर आर स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड ज़ाइलम एंड फ्लोएम. हाँ, ये बहुत फोकस करने वाला पॉइंट है. ज़ाइलम एंड फ्लोएम जो है वो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जिस तरह हमारे घरों तक पानी वाटर पाइप्स के जरिए पहुंचता है. हमारे घरों तक जो पानी है वो पाइप्स के जरिए, इसी तरह पौधे के अंदर भी छोटे छोटे थ्रेड लाइक पाइप्स होते हैं, तो उनके जरिए जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है. दो वो होते हैं स्ट्रक्चर्स, एक है ज़ाइलम, दूसरा है फ्लोएम. तो ज़ाइलम जो है ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. ज़ाइलम वो पाइप्स हैं जो मिनरल्स को और वाटर को ग्राउंड से, सॉइल से ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी लीफ तक, फ्लावर तक, फ्रूट तक पहुंचाते हैं. और फ्लोएम जो है, फ्लोएम द प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल इज कैरीड इन अ सॉल्युबल फॉर्म थ्रू फ्लोएम. फ्लोएम वो ट्यूब्स हैं जो लीफ में फूड तैयार हुआ होता है, उस फूड को हर पार्ट तक यानी रूट्स तक लेके नीचे जाते हैं, हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, उन ट्यूब्स को फ्लोएम कहते हैं. तो आज हमने ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर प्लांट्स में हमने पढ़ा. जो नेक्स्ट क्लास होगी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, वो हम इसी की नेक्स्ट क्लास को, इसी
क्लास के बाद हम दूसरे कल के सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस बोर्ड को एक बार अच्छी तरह देखिए, फोकस कीजिए, फिर अपने बुक को अपने रूम में निकालिए और उस पर बैठिए, उसको कंसंट्रेट कीजिए। ये नहीं सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है, अगर मास प्रमोशन भी होती है, फिर भी आपको ये जो है जो क्लासेस टीचर डिलीवर कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर जब आप 8th में होंगे तो आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नॉलेज जो है वो नॉलेज जो है उसको कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप अपनी बुक को अच्छी तरह रीड कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में को भी पढ़िए और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स को भी पढ़िए। तो कल की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। थैंक यू, आज तक इतना ही।